वहां जो मेरा बंगला है बेंगलोर में, उस बंगले का मैं मालिक होता, अगर मैं गुनाहगार होता तो फलां दुकान का मैं प्रोपरेटर होता, अगर मैं गुनाहगार होता तो मेरे बच्चे इतने फर्मा बाजार होते, अगर मैं गुनाहगार होता तो मेरे दामाद इतने हसीन होते, अगर मैं गुनाहगार होता तो मेरा खुसर इतना मालदार होता, मैं गुनाहगार होता तो मेरी बीवी इतनी हसीन होती, मैं गुनाहगार होता तो लोगों में मेरी ये आवभगत होती, मैं गुनाहगार होता तो मैं जहां जाता हूं वो जो मुझे प्रोटोकॉल मिलता है ऐसा मिलता। अल्लाह फरमाता है ये भी आजमाइश है, अगर मैं गुनाहगार होता, ये बाजुओं की कुव्वत होती मुझे, अगर मैं गुनाहगार होता तो उम्र क्या है मेरी 60 साल के करीब है, लेकिन लगता क्या हूं 35 साल से ज्यादा नहीं लगता, ये सब होता, ये मार खा गया। अल्लाह फरमाता है फिर हमने बुराइयों की जगह यानी मुसीबतों की जगह आराम और ऐश इशरत हमने दिया लोगों को, हत्ता अफौ व कालू, यहां तक कि वो मस्त हो गए और नेमतों में बढ़ गए। हा व कालू खद मसाबान दर्रा वसरा, कहा कि बेशक हमारे माँ बाप को में हमारे बाप दादा भी मुसीबतों में मुबतला हुए, फअखदनाहुम, क्या मतलब, जो पहले मुसीबतें हम पर आई थी ना वो एक निज़ाम कुदरत है, एक दस्तूर फितरत है, कानून फितरत है, ये लॉज ऑफ नेचर में दाखिल है कि मुसीबतें भी आती हैं, ऐसी आ जाती हैं, इंसान तुझ पर मुसीबत आती है, मुसलमान तुझ पर मुसीबत आती है तो तेरे बुरे अमल की वजह से आती है। हम गुनाह पर गुनाह करें मुसीबत आए तो ये समझें कि नहीं है तो आनी ही आनी है, जैसे नेक आदमी भी बूढ़ा होता है और बुरा आदमी भी बूढ़ा होता है, ये फितरी तकाजा है, फितरी अमल है, ऐसा नहीं है, मुसीबत आती है गुनाहगार पर तो उसके अमल की वजह से आती है। उसने कहा कि ऐसे हमारे बाप दादा पर भी मुसीबत आई, हम पर भी मुसीबत आई, अब देखो मुसीबत चली गई, अच्छे दिन आ गए, मैंने ये समझा कि हम नेक हैं, अच्छे हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, दाढ़ी मुंड रहे हैं, लोग क्या समझते हैं खुद को, बेकसूर समझते हैं, बस समझ में हर तरह का गुनाह कर रहे हैं, समझते हैं बेकसूर है। यहां तो कुफार के ताल्लुक से कहा लेकिन ऐसा अमल मुसलमानों में भी है, बात समझ में, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, हम समझते हैं कि हम बेकसूर, हम अच्छे हैं तो हमारा अमल कोई बुरा नहीं है, इसीलिए हम अच्छे हैं, हम खुशहाल हैं। फम्मा बदलना मकान सैयतिल हसन हत्ता अफौ व कालू खद मसाबान अद्दर्रा व अस्सर्रा फअखदनाहुम बगततन, अल्लाह ताला फरमाता क्या यकायक हमने उन्हें पकड़ लिया, वो खुशाइश थे, मस्त हो गए थे, क्या हमारे पास पैसे हैं, करोड़ों रुपए हमारे पास हैं, हमारे मानने वाले इतने हैं, हमारे मानने वाले हमको देखते तो उठकर खड़े हो जाते हैं, हमारे मानने वाले हम जिसे वोट दो बोलते हैं उसे वोट देते हैं, हमारे मानने वाले हैं, हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वहाँ सब चले आते हैं, और हमारे पूरे रिश्तेदार हमारी जी हुजूरी में मुबतला हैं, लगे हुए हैं, हम जहां जाते हैं पीछे हमारे 20-30-40 आदमी चलते हैं, हम खाना खा के छोड़ते हैं तो कई लोग खाने वाले तैयार होते हैं कि इनका जूठा हमें मिल जाए, झूठी तारीफें करने वाले तारीफें कर रहे हैं हमारी, ये इसी मस्ती में होते हैं। आखद ना हम बागता, हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया, वहुम ला शुरून, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शूर तक नहीं रखते, शूर तक नहीं रखते, अल्लाह की पकड़ के लिए वक्त की जरूरत नहीं कि दो दिन में आएगी पकड़, नहीं,
खुशहाल है, चल रहा है, फिर रहा है, हुकूमत कर रहा है, या का एक कुछ तकलीफ होती है, जाके बताए तो डॉक्टर कहता है कि इसे हड्डियों का कैंसर आ गया। अब ये इसका इलाज नामुमकिन है। पाखदना हम बख्त, अल्लाह फरमाता है कि हम पकड़ते हैं तो अचानक पकड़ लेते हैं, वो सोचता भी नहीं ऐसा होगा। وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء। अल्लाह फरमाता है कि अगर ये बस्ती वाले, ये शहर वाले, ये लोग बस्तियों शहरों में बसने वाले तखवा करते, अगर तखवा करते, तखवा अल्लाह फरमाता है यानी ईमान लाते और अमल सालेह करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, अल्लाह फरमाता है कि आसमानों से हम बरकतों की बारिशें बरसा देते, आसमानों से हम बरकतों के दरवाजे खोल देते, मिनस समा वल अर्ज, आसमान भी उन पर बरकतें नाजिल करता, जमीन भी उन पर बरकतें निशावर करती, वलाकिन कद्दबू फाखदनाहुम बिमा कानू यक्सिबून, लेकिन उन्होंने तकजीब की, तखवा इख्तियार नहीं किया, ईमान नहीं लाए, उन्होंने झुठलाया पैगम्बरों को, फाखदना हूँ बिमा कानू यक्सिबून, उनके बुरे अमल की वजह से, उनके कुफ्र और शिर्क की वजह से और उनकी बदअमलियों की वजह से अल्लाह फरमाता है कि हमने उन्हें पकड़ लिया, अपने अजाब में मुब्तला कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है और से सुने, अफा अमीन अहलुल कुरा अन यातियहुम बासुना बयातन वहुम नाइमून। ये आयतें मुसलमानों के लिए भी हिदायत का सामान है, काफिरों के लिए भी हिदायत का सामान है, हिदायत के लिए उतरी हैं। अल्लाह फरमाता है क्या बस्तियों वाले, शहरों वाले, मुल्कों वाले ये इस बात से निडर हो गए, इस बात से डरते नहीं कि उनके पास हमारा अजाब आए, बयातन रातों रात, रात के किसी हिस्से में 3 बजे रात को अजाब आ जाए, 4 बजे रात को अजाब आ जाए, वह हम नायमून और ये सो रहे हैं, कि कैसे हालात आपने नहीं सुने कि वो एक जगह जलजला आया, लोग सो रहे हैं, नींद की हालत ही में जमीन का लुकमा बन गए, जमीन का निवाला बन गए, सो रहे हैं, सुनामी में घर में सो रहा है, सुनामी की मौज ने खींच लिया, अवा अमीना अहलुल कुरा यातिया हूं बासुना गुहाऊ वहुम यलअबून। अल्लाह ताला फरमाता है क्या बस्तियों वाले, शहरों वाले लोग ये इस बात से निडर हैं कि उनके पास हमारा अजाब आए, उन पर हमारा अजाब आए, दोहन दिन के चढ़ते वक्त में यानी 11-12 बजे के वक्त, वहुम यलअबून और वो खेलकूद में लगे, खेलकूद में लगे हों, आफा आमीनू मकरल्लाह, क्या ये अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ हो गए, अल्लाह की खुफिया तदबीर, पोशीदा तदबीर, मालूम ही नहीं होता है कि अल्लाह अजाब नाजिल करेगा, ऐसी हालत में रहता है, यक्का एक अजाब बैठा है, अरे मेरे सीने में कुछ तकलीफ हो रही, बोलता डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर के आने से पहले ये अपनी बस्ती को चले जाते हैं, बस अपने आदम आबाद को चले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की खुफिया तदबीर, मकरुल्लाह का लफ्ज आया यहां, हमको क्या तर्जुमा करना है, क्या ये अल्लाह की खुफिया, अल्लाह की मकरुल्लाह का तर्जुमा क्या करना, अल्लाह की खुफिया तदबीर, ऐसी तदबीर कि इसका जहूर ना हो, तदबीर जब जाहिर हो तो मालूम हो, अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ हो गए, निडर हो गए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अब मैं सेहतमंद हूं, हमेशा सेहतमंद रहूंगा। हाँ अल्लाह करम करेगा रहूंगा, लेकिन अल्लाह ये भी कर सकता है, और अगर मैं अमल बुरा रखूंगा तो अल्लाह गिरफ्त करेगा, अमल बुरा रख लेकर मुझे अल्लाह की रहमत पर ये है भरोसा है, अल्लाह मेरे साथ अच्छा ही सुलूक करेगा, अल्लाह से डर कर, आमाल सीधे रखकर, मुत्तकी होकर, अल्लाह के तखवा के हुदूद में रहकर अल्लाह ताला से क्या करना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए कि मौला तबारक व तआला मुझे हमेशा ऐसे ही रखेगा, खुशहाल रखेगा। अल्लाह फरमाता है अफा अमीनू मकरल्लाह, क्या ये अल्लाह के मकर से यानी अल्लाह के की खुफिया तकबीर से बेफिक्र हो गए, बेखौफ हो गए,
फला यामनु मकरल्लाही इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह की खुफिया तदबीर से निडर वही लोग होते हैं जो नुकसान